मुझे सबको पता चल गया आपका फेवरेट कलर तो व्हाइट है, तो कलेक्शन कुछ व्हाइट से नजदीक वजदीक होगी आज? हाँ, व्हाइट है और इसके अलावा बेसिकली आइसक्रीम के कलर्स यूज किए हैं, आइसक्रीम के कलर्स यूज किए हैं ज्यादातर, तो पैलेट जो है वो सॉफ्ट रखा गया। अच्छा। बट चूंकि थोड़ा सा वाइट से थोड़ा सा हटना भी था, मोनोटोनी भी खत्म करनी थी, और ईद का फेस्टिवल भी था जी जी। और गर्मी आप देख रही हैं कितनी खतरनाक है, तो वाइट कलर बड़ा अच्छा लगेगा। वाइट कलर और कोई भी लाइट कलर जो है बड़ा, हाँ, लाइट को हीट को रिफ्लेक्ट करेगा। आइए देखते हैं जी मौज़ूम अब्बासी की कलेक्शन। प्योर ईद के कपड़े जो होने चाहिए इस मौसम को देखते हुए, फेस्टिविटी को देखते हुए, कोई वो नहीं है, गोल्डन सिल्वर चीज नहीं है, लेकिन अंडरस्टेटेड क्लोथ्स हैं बेसिकली बहुत, मतलब लाइक इसको अगर हम इसके साथ झुमके पहन के ईद पर भी हम इसे कैरी कर सकते हैं, सुबह के वक्त भी रात के वक्त भी बहुत प्यारे और सब अलग अलग एक दूसरे से। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं रिदा से। ये रिदा ने जो पहना हुआ है कपड़ा, ये कॉटन है क्या? ये प्योर कॉटन है निदा, एंड बेसिकली कलेक्शन अगर आप ओवरऑल भी देखेंगी तो ये फैब्रिक जो है मुख्तलिफ काम इसमें नहीं है, एम्बेलिशमेंट कहीं भी नहीं है। हाँ हाँ। और एम्बेलिशमेंट अगर आप देना चाहते हैं तो आप अपने इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी से एम्बेलिश करें अपने आप को रादर देन आउटफिट को। प्योर कॉटन गर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ब्लॉक है। हाँ। और मुख्तलिफ इसमें ब्लॉक्स जो है उनको यूज करके अगर आप देखेंगे तो पैनल जो अंगरखे का है आपके पास, उसमें ये दो अलग अलग जो है वो ब्लॉक्स यूज किए हैं मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए। ओके, और ये जी गर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू अंगरखा जो है वो बहुत जो है आई मीन बड़ा रॉयल लुक भी देता है, और फिर द बेस्ट पार्ट इज ऑल ईयर राउंड फैशन के अंदर रहता है। बिल्कुल। फिर इसकी बे ये है कि आपने इसको सुबह के टाइम पे भी पहन लिया, एंड इफ यू वांट टू वेयर इट तो आपने जैसे आपने मेंशन किया कि आगे लेटर ऑन भी इसका इस्तेमाल भी है, शाम में इवनिंग वेयर के अंदर भी है, चूड़ीदार के साथ पहन लिया आपने, दुपट्टा बहुत बड़ा उठा लिया तो बड़ा एक रॉयल फीलिंग आती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। जो सेकंड आउटफिट है वो इट्स बेसिकली कलर्स, इफ यू लुक एट इट फ्रिल के साथ दुपट्टे को एम्बेलिश किया गया है, और द बेस्ट पार्ट इज जो वाइट है वो समर की फीलिंग दे रहा है, और जो फ्लावर्स हैं इसके कलर्ड वो उसको जो है वो फेस्टिव लुक दे रहा है, स्प्रिंग की फीलिंग दे रहा है। अच्छा, इसी मतलब इस आउटफिट पे और भी कलर के फ्लावर्स हैं लाइक दूसरे जो? आई हैड अ येलो, अगेन वाइट के पर येलोस फूल हैं, वो भी बहुत खूबसूरत थे, पर चूंकि ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से था आपका प्रोग्राम भी, तो फिर आप डिपेंड करता है कुछ लोग ब्राइटर टोन पे भी जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कोई पिंक अगर पसंद कर रहा है साथ, तो पिंक आप कह रहे हैं, इसके अलावा येलो भी है, लेमन येलो भी बड़ा खूबसूरत है, लेमन येलो है, ग्रीन के साथ भी है, इसके साथ तीन कॉम्बिनेशंस हैं, एंड अगेन द बेस्ट पार्ट इज के यू नो
कलरफुल बड़ा बड़ा आई कैचिंग नजर आता है, जो मेन चीज है कि फूल जो है वो क्या हो जाते हैं, आपके फोकल पॉइंट हो जाते हैं। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत लग रही है। और जैसे ये स्लीवलेस है तो आप बगैर स्लीव के साथ भी अर्ज कर सकते हैं। हाँ। और आप इसको जो है थ्री क्वार्टर आप इसमें पफ्ड स्लीव्स लगा सकते हैं। अच्छा, ये फूली भी बहुत अच्छी आती है, पफ्ड स्लीव्स आती हैं। ये तो आप एक तो अलग वाला कलर वाला मुझे शो पे पहनने के लिए आपने बिल्कुल फूली वाली आप येलो वाली स्लीव येलो वाली बिल्कुल। अच्छा, इसका मटेरियल क्या है? दिस इज नेट और अगेन इसके साथ लेस है और कॉटन की ट्राउजर्स हैं। तो अगेन जैसे मैंने कहा कि एक फैब्रिक के ऊपर मोनोटनी रखनी चाहिए और मिक्सचर करना चाहिए, चीजों को मिक्स एंड मैच करना चाहिए। कॉटन के ट्राउजर्स गर्मी नहीं करेंगे और स्लीवलेस अगेन जो है वो आपको पता है कि ठंडक देगा। तो नेट भी बर्दाश्त। अच्छा, नेट की जो लाइनिंग है वो आप कौन सी यूज करते हैं? नेट की लाइनिंग वैसे तो हम मैंने क्रेप करते हैं क्योंकि क्रेप फॉल अच्छा बहुत अच्छा आता है। हाँ। लेकिन लॉन भी अच्छी होती है, लॉन क्रम्पी हो जाती है, उसमें बड़े वो आ जाते हैं, सिल्वर आ जाती है, अच्छी वो फॉर्मल फीलिंग नहीं देता। आप चेंज करो। वाओ, ये तो दिस इज वेरी डल गोल्ड एंड वेरी नाइस। अच्छा, ये डल गोल्ड कह रहे हैं हम। हाँ, बेसिकली ये फैमिली तो गोल्ड की है लेकिन बेज का इसको ज्यादा आप वो दे सकते हैं, लुक बेज का है, थोड़ा सा इसको फॉर्मल टोन के अंदर जा रहा है। तो शाम ईद के टाइम पे यू नो समवेयर इन द इवनिंग फैमिली गेट टुगेदर्स हैं या किसी ने इनवाइट किया हुआ है तो यू नो इट्स इसमें भी कोई और कलर्स अवेलेबल है? इसके अंदर जो है नहीं, ये सेम ही एक फैब्रिक है और जो मैंने बनवाया था। तो जो है अच्छा, इसमें भी अगेन अगर आप देखें तो इतनी ऑलरेडी सेल्फ फैब्रिक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है कि आपको कुछ मजीद इसके ऊपर काम करने की जरूरत है नहीं। और ट्राउजर्स इसके भी कॉटन के हैं। अगेन वो समर वाला जो है आपका जो है सीजन के हिसाब से, बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट अगर आप जो है ना ऐसा कपड़ा, ये ड्रॉप हो रहा है मतलब, और ये फॉल इसका फिर कपड़े का बहुत खूबसूरत आता है। नीचे ड्रॉप जो है जो जमीन पे टच करा इज द ब्यूटी ऑफ द आउटफिट। इतनी बड़ी बड़ी स्लीव्स हैं इसकी और बहुत मजेदार हवादार स्लीव्स हैं और वो बहुत ज्यादा नजाकत वाली लुक भी दे रही हैं। तो इसके ऊपर तो अगर ये है कि सिर्फ इयररिंग्स भी पहन लिया और आपने हार नहीं भी पहना तो इवन दैट इज सफिशिएंट। अच्छा, कुछ प्राइस रेंज बता पाएंगे कि क्या है जैसे जो पहले भी थे जोड़े? इट स्टार्ट्स बेसिकली फ्रॉम 10,000 ऑनवर्ड्स, ठीक है, बिकॉज आई यूज अ लॉट ऑफ फैब्रिक, बहुत ज्यादा फैब्रिक होता है। तो यू नो 10 गज भी इस्तेमाल हुआ होता है, 12 गज भी इस्तेमाल हुआ होता है, प्लस मेरी स्टिचिंग और फिनिशिंग जो होती है वो बहुत मैं आई मेक श्योर कि इट्स वेरी इमैक्युलेट। तो इसी वजह से जो है तकरीबन 10 ऑनवर्ड्स होती है। ठीक है, ये वाला कुछ आइडिया दे सकते हैं एवरेज कितने का पड़ेगा? ये तकरीबन आपको 12 तक पड़ जाएगा ये, क्योंकि लोग भाई डिसाइड करना शुरू कर दें कि क्या करना है उन्होंने। और ईद के लिए ये ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे या आपके पास रेडी टू वेयर होते हैं? ऑर्डर की गुंजाइश नहीं है, रेडी टू वेयर जो पीसेज हैं बस वो ही अभी होंगे। अच्छा, जैसे कुछ खास ऐसा होता है कि जैसे इसके आपने कुछ मखसूस पीसेज बनाए? अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये कट जो है वो बेसिकली जो है वो आपके पास फ्री साइज के अंदर है। तो इट्स वो बहुत अच्छा, स्मॉल पे भी बहुत अच्छा लगता है, मीडियम पे भी बहुत अच्छा लगता है, लार्ज के पर एक्स्ट्रा लार्ज को शायद फिर ये टाइट हो जाए। लेकिन ये है कि ये तीन साइजेस तीनों पे चलेगी साइज और तीनों पे ही उतनी अच्छी लगेगी जितनी किसी दुबले इंसान पे अच्छी लग रही तो लार्ज पे भी। तो अगर जैसे इन्होंने किसी ने ऐसे आना है कि बस आए उठाए और चले गए, आए उठा के तो कहाँ आए वो? हाँ, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वो वेब पेज पर आए और आके अपॉइंटमेंट लेकर आ जाए। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेके आप वो लंदन आ जाए और वहाँ से खरीद ले। लंदन आ जाए, लंदन में शॉप है आपकी? जी, वहाँ बेसिकली कलेक्शन वहाँ शोकेस होता है। अच्छा, ओके ओके, ग्रेट, जबरदस्त। फरा चेंज बुशरा, सॉरी मैं बार बार फरा बोल रही हूँ बुशरा को। हाँ, फाकिया ने पहना है मस्टर्ड। ये बर्नट ऑरेंज है, इट्स नॉट बर्नट ऑरेंज, इसको मस्टर्ड नहीं कहेंगे, मस्टर्ड आई वुड नॉट पुट इट, इट्स बेसिकली बर्नट ऑरेंज। और बर्नट ऑरेंज अगेन ये सॉफ्टर कलर की टोन में होता है, इट्स अ वेरी अनयूजुअल कलर, जनरली लोग नहीं इसको, लोग हल्दी का रंग भी कहते हैं, बट हल्दी भी एग्जैक्टली इट्स अ लिटिल वो हल्दी थोड़ी ज्यादा चुभती भी होती है। हां, चुभती है, थोड़ा सेटल्ड है, दिस इज थोड़ा सेटल्ड गर्मी में जैसे अगर ये कलर पहनेंगे तो चुभेगा नहीं। और गरारा है, कॉटन का है, ठीक है ना। अगेन चिकन इज अ वेरी यू नो फैब्रिक बड़ा पॉपुलर है, पाकिस्तान में मिलता भी है, हमारा अपना लोकल मैन्युफैक्चर्ड भी होता है पाकिस्तान के अंदर, तो यू समझे कि हम अपने ही मुल्क के जो ना फैब्रिक को यूज कर रहे हैं। तो अगेन कॉटन का गरारा का जो है वो फॉल बड़ा अच्छा आ रहा है इसके अंदर, कॉटन लिनन नहीं है, कॉटन लिनन मिक्स हुआ है, सही है।
और स्लीव्स नेट की है, नेट की हुई है, तो वो अगेन अगर आप देखें तो तीन अलग अलग फैब्रिक और नेट मिक्स किया, जो जहाँ पे ज्यादा अच्छा लग रहा है, खूबसूरत आ रही है, जहाँ उसकी यू नो मिक्सिंग अच्छी आ रही है, उसी हिसाब से जो है। कभी भी आई वुड सजेस्ट कि एक फैब्रिक में एक टोन में नहीं जाना चाहिए, नहीं करें वो, पर मजा नहीं आता, बड़ा यूनिफॉर्म वाली फीलिंग आती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अच्छा, इसकी तकरीबन रेंज क्या होगी? 15,000 क्योंकि गरारा है और स्टिचिंग और बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, वेरी रीजनेबल आई वुड से, वेरी वेरी रीजनेबल। ओए होए होए, मेरा तो दिल चाह रहा है ये वाला तो मैं खरीद ही लूं, ये तो मुझे बेच दें आप, बेचते हैं बेच दें, बहुत प्यारा कलर है। अच्छा ये इसकी गरारे कितनी फॉल कैसे आ? इसकी गरारा बेसिकली ये सीक्वेंस का गरारा है, ठीक है ना, और कलर्स बहुत चुके जो है पिस्टेशियो ग्रीन की फैमिली के अंदर जा रहा है। तो बेसिकली आप अगर आप देखें तो ये फॉर्मल लुक दे नहीं रहा, हालांकि इसको बहुत चुपता हुआ होना चाहिए था जितना अमाउंट ऑफ इसमें सितारा यूज हुआ है, लेकिन वो यहाँ सेटल हुआ हुआ है, और शर्ट चिकन की यूज इसलिए की थी अनदर के और इसको फर्दर सेटल कर दिया जाए, यू नो इसको बड़ा वो एक समरिश फीलिंग दी जाए, वरना ये बड़ा सेमी फॉर्मल के अंदर इसको रखा जाए, नॉट फॉर्मल रखा जाए। नेट का दुपट्टा जो है वो ऑफ कोर्स डेलिकेट करने के लिए इसको रखा गया, और इसमें भी यही एक कलर है, इसी में एक कलर है, लेकिन तीन अलग फैब्रिक्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं, नेट इस्तेमाल हुई हुई है, चिकन है, और उसके अलावा स्ट्रेचेबल है। अच्छा, स्ट्रेचेबल का द बेस्ट पार्ट इज कि ये गरारा उरेब कटा हुआ है, तो उरेब की वजह से स्ट्रेच के अंदर जो है वो फैब्रिक हैवी बहुत होता है, उसका फॉल बहुत खूबसूरत आता है, कभी वो उसका फॉल कॉटन से ज्यादा, कॉटन से कहीं ज्यादा खूबसूरत आता है। और उरेब का फिर क्या इसकी प्राइस पे जाहिर है, उसको शूट करेगी इसकी 20 तकरीबन है, वेरी नाइस, बहुत प्यार है, वेरी नाइस। और अगेन आई डोंट थिंक कि कोई मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इसको यहां से हटाऊं, देखती रहूं। चलिए जी, अब आप चेंज करें, हम नेक्स्ट दिखाएंगे जोड़ा माजम का। सुबह जो आई है तेरी भर के झुमके, हवा के साथ झुमके, हाँ गोल गोल घूमके, वाला तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बॉलीवुड फिल्म का गाना शूट करने के लिए जा रहे हैं। सही बात है, कितना खूबसूरत कलर है, सिल्वर और न्यूट्रल सितारे इसमें ऐड अप कर दिए गए हैं, एंड ब्लाउज जो है वो सीक्वेंसेस का है अगेन, एंड दिस इज बेसिकली जो है ये अनियन पिंक है, अगर Onion आप हाँ, इसको थोड़ा सा शेड से डार्कर भी आ रहा है, नीचे इसके अंदर जो लाइनिंग दी है वो लट्ठे की लाइनिंग दी गई है ताकि गर्मी भी ना लगे, हाँ लहंगे को फुला सके, अदरवाइज नेट जो है वो बहुत सॉफ्ट है तो वो बिल्कुल बैठ जाता है, बैठ भी जाता है, चिपक जाता है बॉडी के साथ, वो बल्गर लग रहा है, का फॉल बहुत अच्छा आता है, बहुत खूबसूरत आता है। अच्छा, और ये जो नीचे इसका दामन है, जी जी, इस पे भी काम हुआ है, दिखाना, इसमें सीक्वेंस लगे हुए हैं, वाओ, और ये हाथ से लगाए हुए सीक्वेंस, ये बेसिकली मशीन्स आती हैं जो पूरी लगाती हैं, वाओ, और वो इतना अच्छा और प्यारा लुक दे रहा है कि बाकी सारा प्लेन है, हाँ जी, नीचे एक शिमर ग्लिटर की इफेक्ट आ रहा है, हाँ इफेक्ट, हाँ बिल्कुल। और इसी तरीके से द बेस्ट पार्ट इज के अगेन मॉर्निंग के अंदर जो है इट्स आइडियल, एंड शाम के टाइम पे सीक्वेंसेस की वजह से जो है अगेन आइडियल आपके जो है इन टर्म्स ऑफ इवनिंग के अंदर भी आप पहन सकते हैं, प्लस फिर लेटर ऑन ईद के बाद जो है आप शादियों वगैरह के पर यू नो या ढोलकियों पे भी पहन सकते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, इसकी प्राइस कुछ आइडिया देंगे? इसकी 25 है। ओ, काम भी तो उसका है, बिल्कुल। और इसके बाद जो है जो गोल्ड है, हाँ, ये थोड़ा सा फॉर्मल तरफ है, हाँ, एंड ऑफ कोर्स आप दुपट्टे को उसके साथ चेंज कर सकते हैं।
यू कैन मिक्स एंड मैच एनीथिंग बिकॉज गोल्ड इज अगेन लाइक व्हाइट या ब्लैक जो है बड़ा वो आता है एक यूनिवर्सल कलर आ जाता है. दुपट्टा इसका हैवी है तो अगर आपने शादी में जाना शादी में जाना तो आपने ये दुपट्टा उठा लिया और वैसे या आपने डार्क डीप बर्गंडी या मरून इसके साथ दुपट्टा उठा लिया और इसी तरीके से जो है आपने गोल्ड और ऑर्गेंजा उठा लिया. तो इट ऑल डिपेंड्स अगेन कि आप जो है और क्योंकि फैब्रिक जो है इसमें और इसका लहंगा जो है वो ऑर्गेंजा का इस्तेमाल. ठीक है आइए जी अब हम चलते हैं नेक्स्ट.